जी, मेरा नाम तनवीर अहमद खान है और मैं सारा एडुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से काम करता हूँ। जी देखें, हम कई सालों से, लगभग दो ढाई सालों से परेशान थी। नाला खुला हुआ था माला रोड, हादी स्कूल और सेंट हैरिस पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, एक दो और भी स्कूल है यहाँ पर। तो ये नाला जो खुला हुआ था, इसको बंद कराने के लिए संपर्क में संबंध में हम कई बार डीएम साहब और एसडीएम साहब को पत्र दे चुके थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। कभी बता रहे थे बजट नहीं है, कभी बता रहे थे इलेक्शन करीब है। देखिए, नगर पालिका चेयरमैन जो हैं सना खानम, उनके हस्बैंड हैं मामून शाह, उनको फ़ोन किया था मैंने संस्था की तरफ से, वो आज आए अभी थोड़ी देर पहले और उन्होंने मुआयना करा, पूरा निरीक्षण करा कि ये नाला तो बहुत वाकई में डेंजर है, कई बार ये नज़रों में भी आया है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुई थी। उन्होंने हमसे प्रॉमिस कराया कि एज सून एज पॉसिबल जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई पूरी करेंगे और नाले को ढका जाएगा ताकि यहाँ के राहगीर स्कूल के बच्चे जो हैं वो सेफ चल सकें और कोई बड़ा हादसा ना हो। कोई हादसा हो चुका है जी? कई बार इसमें बच्चे गिर चुके हैं। एक बार तो स्कूल की रिक्शा बच्चों को लेके इसके अंदर चली गई थी, वो मोहल्ले वालों ने सबको उसको बचाया और रिक्शा को बाहर निकाला गया। एक बार इसमें कोई रिक्शा वाले खुद भी गिर गया था उसमें, और कई हादसे हो चुके हैं छोटे मोटे। हालांकि हम जी चाहते हैं आगे ऐसा कुछ ना हो। ये नाला बीचों बीच कैसे खुला रह गया, पहले सरकारों ने काम करा लेकिन अब इन्होंने प्रॉमिस करा है ये जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेंगे और इसको नाले को ढकवाएंगे। क्या वायदा किया जी? क्या उम्मीद है आपको? हमें उम्मीद है, जैसे उन्होंने हमारे सामने मेंबर साहब को भी बुलाया, जो वार्ड 33 के मेंबर यहाँ का है, उनको बुलाया, उनसे बात करी और उनको कहा कि कल ही प्रस्ताव इसका रखें और जल्द से जल्द इसको पूरा कराएं, ये खुला नहीं।